नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शुभ आगमन प्रॉपर्टीज में। दोस्तों, काफी समय से दोस्तों के कॉल आ रहे थे कि सर आप रोहिणी में कोई भी वीडियो नहीं दिखा रहे हैं, कोई फ्लैट दिखाइए जो रोहिणी में हो, पीतमपुरा में हो। तो दोस्तों, आपकी डिमांड पर आज आपको एक बहुत ही शानदार लोकेशन, पीतमपुरा की लोकेशन में आपको दोस्तों फुल्ली वेंटिलेटेड थ्री साइड ओपन फ्लैट दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों, इंडिपेंडेंट फ्लोर है, लिफ्ट के साथ है, कार पार्किंग के साथ है, और अगर साइज की बात करें तो दोस्तों 250 गज का साइज है हमारे इस फ्लोर का। और दोस्तों, थ्री साइड ओपन होने की वजह से काफ़ी शानदार वेंटिलेशन आपके इस फ्लोर में रहने वाली है। दोस्तों, टोटल चार कमरे हैं हमारे इस फ्लोर में और काफ़ी शानदार, काफ़ी लग्जूरियस आपका ये फ्लोर बना हुआ है। और दोस्तों, एक बहुत ही खास जानकारी दे दूं कि रीसेल की ये प्रॉपर्टी है। आइए शुरू करते हैं इस शानदार प्रॉपर्टी की विजिट। दोस्तों, इधर से आपके 4 BHK फ्लैट की एंट्री है। एंट्री पर दोस्तों आपको स्टील का गेट मिल जाता है और वुडन गेट मिल जाता है। अब आप एंट्री करते हैं तो दोस्तों ये आपका सुपर स्पेशियस लिविंग स्पेस है, जहाँ पे आपको एक अपना बड़ा सोफा सेट लगाने के लिए कोई भी स्पेस की कमी नहीं होगी। प्लस दोस्तों, आप अपना डाइनिंग स्पेस भी यहाँ पे लगा सकते हैं। इधर दोस्तों आपको काफ़ी शानदार स्पेस मिल जाता है सोफा प्लेस करने के लिए। और दोस्तों, इधर आप देखेंगे तो पूरी विंडो है, आप इधर अपना विंडो एसी लगा सकते हैं और दोस्तों वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं होगी। बात करें टीवी पैनल की तो इधर आपको टीवी पैनल मिल जाता है, सोफा सेट के ठीक सामने आपको टीवी पैनल मिल जाएगा। दोस्तों, वाइट और ब्राउन के कॉम्बिनेशन में है। नीचे आपको काफ़ी सारे कबर्ड्स मिल जाते हैं सामान रखने के लिए। और दोस्तों, इधर आपको शेल्फ मिल जाती है सेट टॉप बॉक्स रखने के लिए। उसके बाद दोस्तों आपको फॉल सीलिंग दिखाऊं तो एक काफ़ी शानदार फॉल सीलिंग दोस्तों आपको मिल जाती है। इधर आपको सारी ही कॉब लाइट्स, एलईडी लाइट्स, फैंस के साथ ये फॉल सीलिंग मिलती है। दोस्तों, काफ़ी शानदार फॉल सीलिंग है। और मैं आपको दूसरी तरफ की भी फॉल सीलिंग दिखाता हूँ, ये भी दोस्तों काफ़ी शानदार फॉल सीलिंग मिलने वाली है आपको। इधर आप अपना डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं, डाइनिंग टेबल के लिए आपको अच्छा स्पेस मिलता है। और दोस्तों, उसके बाद भी एक काफ़ी स्पेस है कि आप उसके बाद भी रोम अराउंड कर पाएँ अपने 4 BHK फ्लोर में। और दोस्तों, यहीं से आपको किचन का भी एंट्रेंस मिल जाता है। किचन देखेंगे दोस्तों काफ़ी बड़ी है, काफ़ी स्पेशियस है, यू शेप की किचन है हमारी। और दोस्तों, आपको स्पेस की कोई कमी नहीं होने वाली है। अगर इधर बात करें तो दोस्तों आपको फ्रिज का स्पेस मिल जाएगा, काफ़ी बड़ा स्पेस है। आप चाहें तो अपना साइड बाय साइड या डबल डोर फ्रिज कोई भी रख सकते हैं, काफ़ी बड़ी स्पेस है इधर दोस्तों। उसके बाद बात करें तो दोस्तों इधर डबल सिंक की आपको किचन मिल जाती है, यानी कि दो सिंक हैं। और दोस्तों, ये सारे ही आपको कबर्ड्स मिल जाएंगे। ऊपर देखेंगे तो दोस्तों काफ़ी शानदार ब्लैक सरमाइका का काम किया हुआ है सारे ही कबर्ड्स पे। पूरा यू शेप में आपको कबर्ड्स मिल जाते हैं। और दोस्तों, इधर आपको चिमनी मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों, अगर वेंटिलेशन की बात करें तो इधर आपको विंडो मिल जाती है। बात करें दोस्तों गैस की तो इधर आपको IGL का गैस कनेक्शन भी मिल जाता है, जो कि हमारे काफ़ी दोस्त पूछते हैं, तो दोस्तों पहले से ही आपके फ्लैट में लगा हुआ है। इधर दोस्तों सारे ही आपको नीचे कबर्ड्स मिल जाते हैं रेड कलर के सरमाइका में। और दोस्तों, बात कर लें फ्लोरिंग की तो हमारे पूरे ही फ्लैट में आपको टाइल्स की माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मार्बल की फ्लोरिंग मिलने वाली है। और दोस्तों, काफ़ी शानदार फ्लोरिंग ये हमारे फ्लैट में लग रही है। किचन के बाद अब आपको फर्स्ट रूम दिखाता हूँ। और दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था, थ्री साइड ओपन आपका ये फ्लोर है, तो दोस्तों आपको वेंटिलेशन लगभग हर रूम से मिलने वाला है। ये दोस्तों आपको काफ़ी बड़ा रूम मिलता है। अगर आप स्पेस देखेंगे तो दोस्तों काफ़ी बड़ा रूम है ये। और इधर आपको ये दोस्तों थोड़े से डिज़ाइनर वॉल मिल जाती है, इधर आपको ये वुडन का काम मिल जाता है, और इधर ये आपको दोस्तों काफ़ी सारे नीश मिल जाते हैं, यानी कि आप कोई अपना
डेकोरेटिव आइटम्स रखना चाहते हैं तो दोस्तों आप रख सकते हैं, और काफ़ी सुंदर हमारा बेडरूम इससे लगता है। आपको इधर दोस्तों स्पेस दिखाऊं तो आपका बेड आने के बाद भी आपको स्पेस का कोई इशू नहीं होगा, काफ़ी बड़ा रूम है ये हमारा। और दोस्तों उतना ही बड़ा हमारा ये टीवी पैनल भी है, काफ़ी शानदार है, काफ़ी वाइड टीवी पैनल है दोस्तों। नीचे आपको सारे ही ड्रॉज मिल जाते हैं सामान रखने के लिए, इधर दोस्तों आपको नीच मिल जाते हैं अपना डेकोरेटिव आइटम्स रखने के लिए, और इधर दोस्तों आप अपना टीवी लगा सकते हैं। काफ़ी सुंदर और काफ़ी शानदार ये टीवी पैनल लग रहा है दोस्तों। उसके बाद आपको फॉल सीलिंग दिखाऊं तो दोस्तों काफ़ी शानदार फॉल सीलिंग ये लग रही है एलईडी लाइट्स के साथ, और दोस्तों फैंस आपको सारे ही लग के मिलेंगे। और उसके बाद दोस्तों इधर आपको विंडो मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए, प्लस आप इधर अपना विंडो एसी लगा सकते हैं। आइए अब आपको बालकनी का स्पेस दिखाता हूं दोस्तों। ये आपको बालकनी का स्पेस मिलने वाला है, काफ़ी बड़ा काफ़ी वाइड स्पेस है दोस्तों। इधर आपको टैप मिल जाता है वॉशिंग एरिया के लिए। उसके बाद आप दोस्तों सारा ही फ्रंट एलिवेशन देखेंगे तो सारी ही दोस्तों आपको बढ़िया मिलने वाली है। और इधर आप स्पेस देखेंगे दोस्तों तो काफ़ी बड़ा स्पेस है बालकनी में। इधर आपको दोस्तों स्टील की ग्रिल मिल जाती है, और आपको इधर दोस्तों पिजन नेट भी मिल जाएगा। इधर आपको कॉमन वॉशरूम दिखाता हूँ, काफ़ी बड़ा काफ़ी स्पेशियस कॉमन वॉशरूम आपको मिलने वाला है। नीचे आपको सारा ही फ्लोरिंग मिल जाती है दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों इधर आपको ये सारा ही वेंटिलेशन मिल जाएगी। इधर दोस्तों आप एग्जॉस्ट लगा सकते हैं, और इधर आपको गीज़र के पॉइंट्स मिल जाते हैं। और दोस्तों आप अगर पूरे ही वॉशरूम में देखेंगे तो आपको सारे ही टाइल्स का वर्क मिल जाएगा, पूरा रूफ तक किया गया है दोस्तों, जो कि काफ़ी शानदार हमारे वॉशरूम को बनाता है। इधर आपको वॉश बेसिन का स्पेस मिल जाता है, और दोस्तों काफ़ी स्पेशियस ये हमारा कॉमन वॉशरूम है। आइए दोस्तों अब आपको सेकंड रूम दिखाता हूँ। सेकंड रूम भी दोस्तों हमारा काफ़ी स्पेशियस है, और इधर आप स्पेस देखेंगे दोस्तों तो काफ़ी आपको स्पेस अपने इस बेडरूम में भी मिलने वाली है। इधर आपको ये डिज़ाइनर वॉल मिल जाती है दोस्तों, कॉब लाइट का वर्क है, साथ में आपको एलईडी लाइट्स और फैन भी मिल जाएगा दोस्तों इस रूम में भी, और काफ़ी बड़ा स्पेस आपको इस रूम में मिलता है। बेड के ठीक सामने ये वाइट टीवी पैनल मिल जाता है वाइट और ब्राउन के कॉम्बिनेशन नेशन में। नीचे दोस्तों आपको ये ड्रॉज मिल जाते हैं, और इधर आपको टीवी लगाने के लिए दोस्तों स्पेस मिल जाता है, काफ़ी बड़ा टीवी पैनल है। और दोस्तों वेंटिलेशन के लिए इधर आप अपना एसी लगा सकते हैं दोस्तों, विंडो एसी आप लगा सकते हैं। और इधर भी आपको दोस्तों ये बालकनी के लिए गेट मिल जाता है, जो कि हमारी बालकनी में ही ओपन होता है, जो हमने आपको इससे पहले दिखाई। साथ ही साथ दोस्तों अलमेरा की बात करें तो इधर आपको ये काफ़ी बड़ी अलमेरा मिल जाती है, जो कि ऊपर पूरी रूफ तक बनाई गई है, और दोस्तों काफ़ी बड़ा स्पेस आपको इस अलमेरा में मिलता है, काफ़ी बड़ी काफ़ी वाइड अलमेरा है तो आपको काफ़ी स्पेस मिलता है। और दोस्तों इसकी ब्यूटी जो एनहेंस करती है वो ये सरमाइका का वर्क है, जो वाइट और ब्राउन कॉम्बिनेशन में है, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आइए अब आपको दोस्तों थर्ड रूम दिखाता हूँ। आइए दोस्तों थर्ड रूम की तरफ चलते हैं। थर्ड रूम भी हमारा सुपर स्पेशियस रूम है, और दोस्तों यहाँ पे आप गेट देखिए, आपको शानदार गेट का वर्क मिलता है। इधर आपको ये ग्लास वर्क मिल जाएगा, और दोस्तों काफ़ी शानदार ये वुड का गेट लग रहा है। आइए दोस्तों अब आपको रूम दिखाता हूँ। ये काफ़ी बड़ा रूम है, इधर आपको ये डिज़ाइनर वर्क मिल जाता है दोस्तों, हर आपको वॉल पे डिज़ाइनर वर्क मिलेगा सारे ही रूम्स में। इधर आप अपना बेड प्लेस कर सकते हैं, और दोस्तों आप खुद अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि बेड प्लेस करने के बाद भी आपको काफ़ी स्पेस इस रूम में मिलती है। और बेड के ठीक सामने आपको टीवी पैनल मिल जाएगा दोस्तों, ये भी हमारा काफ़ी वाइड टीवी पैनल है, इधर आप टीवी प्लेस कर सकते हैं। नीचे आपको दो बड़े बड़े ड्रॉज मिल जाते हैं दोस्तों। साथ ही बात करें दोस्तों स्टोरेज की, तो इधर भी आपको ये काफ़ी वाइड स्टोरेज मिल जाती है दोस्तों, इधर भी आपको ये काफ़ी बड़ी स्टोरेज मिल जाती है। ऊपर आप देखेंगे तो दोस्तों काफ़ी सारे आपको कैबिनेट्स मिल जाते हैं, और नीचे भी काफ़ी सारी अलमेराज हैं। इधर भी दोस्तों आपको ये अलमेरा मिल जाती है,
और काफ़ी सारा आपको स्टोरेज के लिए स्पेस मिल जाता है। बाकी दोस्तों इधर बात करें तो इधर आपको नीश मिल जाती है डेकोरेटिव आइटम्स रखने के लिए, और इधर आप अपना विंडो एसी लगा सकते हैं। आइए दोस्तों अब आपको यहाँ पे ये वॉशरूम दिखाता हूँ। दोस्तों काफ़ी बड़ा वॉशरूम है ये हमारा। इधर आपको ये वॉल मिल जाएगी दोस्तों, काफ़ी शानदार लग रही है। ऊपर आपको शॉवर मिल जाता है, और इधर दोस्तों ये काफ़ी बड़ा वॉशरूम है हमारा। इधर आपको बेदिंग स्पेस मिल जाएगा दोस्तों, और ये सारा ही आपको दोस्तों इधर वॉशिंग वॉशरूम मिल जाता है। इधर आपको ये दोस्तों शानदार वैनिटी के साथ वॉश बेसिन मिल जाएगा। और बात करें टॉयलेट सीट की, तो इधर दोस्तों आपको ये शानदार टॉयलेट सीट मिल जाती है। काफ़ी बड़ा वॉशरूम है ये दोस्तों हमारा, और काफ़ी स्पेस आपको इस वॉशरूम में मिलती है। और दोस्तों रूम के साथ ही हमारा ये पाउडर रूम अटैच्ड है। इधर आपको ये शानदार अलमेरा मिल जाती है, काफ़ी वाइड है और पूरा ऊपर रूफ तक डिज़ाइन की गई है। दो दो बड़ी बड़ी अलमेराज हैं, काफ़ी शानदार स्पेस आपको दोस्तों मिलने वाला है। आइए दोस्तों आपको लास्ट रूम दिखा देते हैं। ये हमारा फोर्थ बेडरूम है, और इधर आपको दोस्तों बेड का स्पेस मिल जाएगा। काफ़ी बड़ा रूम है। इधर दोस्तों आपको ये डिज़ाइनर वॉल मिलती है, इधर आपको ये दोस्तों शानदार वॉल मिलती है, और इधर आपको ये शानदार वर्क मिलता है। ऊपर आप देखेंगे तो दोस्तों शानदार फॉल सीलिंग आपको मिल जाएगी कॉब लाइट्स और एलईडी लाइट्स के साथ। और दोस्तों उसके बाद बात करें तो आपका इधर बेड स्पेस आ जाएगा इजीली, और इधर ये काफ़ी वाइड आपको अलमेरा का स्पेस मिलता है दोस्तों। पूरा आप ऊपर तक देखेंगे तो दोस्तों काफ़ी वाइड अलमेरा का स्पेस है, और इधर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे अलमेराज मिलते हैं। इधर आपको मैं दिखाऊं तो दोस्तों काफ़ी वाइड स्पेस है अलमेरा में, काफ़ी बड़ी और काफ़ी गहरी अलमेरा आपको मिलती है। और बेड स्पेस के ठीक सामने दोस्तों आपको ये शानदार टीवी पैनल मिल जाएगा। इसमें आपको काफ़ी सारे स्टोरेजेस मिल जाते हैं, और इधर दोस्तों आपको ये शानदार टीवी पैनल मिल जाएगा। इधर आप अपना सेट टॉप बॉक्स रख सकते हैं। तो दोस्तों हर चीज़ को ध्यान में रख के डिज़ाइन किया गया है। प्लस दोस्तों बाहर अगर आप देखेंगे तो इधर भी आपको वेंटिलेशन मिल जाएगी, और दोस्तों इधर भी आपको एक अटैच्ड वॉशरूम मिल जाता है। उम्मीद करता हूं आपको ये 4 BHK फ्लोर पसंद आया होगा। और दोस्तों आपको ये शानदार मंदिर स्पेस भी मिल जाता है। आपको दोस्तों काफ़ी सारे स्टोरेजेस मिल जाएंगे इसमें। इधर आप देखेंगे तो दोस्तों काफ़ी सारे स्टोरेजेस हैं, और इधर भी आपको ये डेकोरेटिव पोर्शन मिल जाते हैं। तो दोस्तों काफ़ी शानदार ही आपको मंदिर का स्पेस मिल जाता है। और दोस्तों इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि ये शानदार 4 BHK का फ्लोर इंडिपेंडेंट फ्लोर है, लिफ्ट के साथ है, कार पार्किंग के साथ है, और दोस्तों काफ़ी शानदार लोकेशन पर है। पीतमपुरा की लोकेशन है दोस्तों, और इजी टू एक्सेस लोकेशन है दोस्तों। चाहे आपको मधुबन चौक जाना है या आपको दोस्तों रोहिणी जाना है, तो इजीली आप अपने इस लोकेशन से जा सकते हैं। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये फ्लैट पसंद आएगा। इसी के साथ उम्मीद है कि आप अपने चैनल शुभ आगमन प्रॉपर्टीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और दोस्तों कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। इन्हीं सब बातों के साथ इजाज़त लेता हूँ, मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में एक और शानदार फ्लैट के साथ, एक और शानदार प्रॉपर्टी के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए हरे कृष्णा।